देखने का अधिकार है। बेशक आप मायावी दानव और अप्सरा हेमा की स्त्रियों के पुत्री हैं, जिम्मेदार माता पिता की जिम्मेदार बेटी, और हमने भी आपको अर्धांगिनी बनाकर कुछ अधिकार सौंपे हैं। अतः कहो, क्या कहना चाहती हो? स्वामी, मैं आपका ध्यान एक बार फिर उस घटना की ओर आकर्षित कराने आई हूँ जिसने पूरे साम्राज्य को विनाश की कगार पर लाकर रख दिया है। मंदोदरी, तो बिल्कुल मूर्ख हो। विश्व के देश एक के बाद एक हमारे आधीन होते जा रहे हैं। सारे प्राकृतिक बल और शक्तियाँ हमारी मुट्ठी में है और आप कहती हैं कि हमारा साम्राज्य समाप्त होता जा रहा है। अभिमान है तो अभिमान ही सही। अब तो यह अभिमान रावण की आत्मा बन चुका है और आत्मा के विरुद्ध मैं कोई काम नहीं करूंगा। स्वामी, आप कितनी देर पकंदर कन्याओं का अपहरण करके लाते रहे, मैंने कभी भी कुछ नहीं कहा, किंतु जब से आप सीता को लाए हैं लंका में अपशगुन हो रहे हैं। मेरा मन कह रहा है स्वामी कि सीता आपका काल बनकर आई है। काल? यह आपका भ्रम है मंदोदरी। ब्रह्मा के वरदानों के कारण काल भी हमारा कष्ट नहीं बिगाड़ सकता। वो दिन रात हमारे इशारे पर नाचता है। स्वामी, मैंने सुना है वे सती है, पतिव्रता है। उसका एक ही शाप बड़े बड़े साम्राज्य को जलाकर राख बना सकता है। स्वामी, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप सीता को लौटा दीजिए। मुझे तुम्हारे सलाह की आवश्यकता नहीं है। जाओ, चली जाओ यहाँ से और जो मन में आए करो। मगर याद रखो, रावण अपना आगे बढ़ाया हुआ कदम पीछे नहीं हटाएगा, नहीं हटाएगा, नहीं हटाएगा। और यही उचित है कि कुंभकर्ण के शयन गृह में जाऊं और उसे जगा लाऊं। यदि वो युद्ध भूमि में चला जाएगा तो काल के समान सबको खा जाएगा। व्याकुल कुंभकर्ण परिया, व्याकुल कुंभ भाई कुंभकर्ण, कुंभकर्ण भाई कुंभकर्ण, उठो, देखो मैं लंकेश तुम्हारा सहयोग देने आया हूं। देखो, ढोल ताशे बजाओ और भाई कुंभकर्ण को गहरी नींद से जगाओ। ऐसी आज्ञा महाराज। मुझे कच्ची नींद से जगाया है। हे भाई, मुझ पर महान संकट आया है और मैंने तुम्हें जगाया है। रावण, कहो भाई, ऐसी क्या विपत्ति आई है जो तुमने अपनी मुद्रा इतनी मलिन बनाई है? कुछ ना पूछो भाई, आजकल मैं संकट में हूँ। अच्छा, अयोध्या के दो राजकुमारों ने बहन सूर्पनखा की नाक काटकर अनर्थ कर डाला है, और जब घर दूषण अपना बदला लेने गए तो उन्होंने उनको भी मार डाला। घर दूषण मारे गए? घर दूषण ही नहीं, लंका के अनेक भी मारे जा चुके हैं। दुर्मुख, महोदर, अक्षय आदि सब मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। ओह, बड़ा आश्चर्य है। अच्छा, तो तुमने फिर क्या किया? जब उन लोगों ने अधिक उधम मचाया तो मैं भी राज की स्त्री सीता को चुरा लाया। अरे भाई, यह तुमने बुरा किया।
नीति पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। जिसे तुम सीता कहते हो वह जगत की जननी जगदम्बा है। स्वागत है आपका, आओ मेरे सामने आओ, अपने शत्रु पर गरीब से तो देख लो। बच्चों का खेल यज्ञ कर भावन समझ लिया, क्या कुंभ कर कोई ऐप समझ लिया। यदि यमराज भी होगा तो वक्त करके ही आऊंगा। अच्छा लक्ष्मण, यदि तुमने ठान ही लिया है तो जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूं कि शत्रु पर अवश्य विजय पाओ। हनुमान सुग्रीव तुम सब लक्ष्मण के साथ जाओ और दूसरे उसका हाथ बढ़ा जो भी आज्ञा प्रभु। अच्छा, पहली बार को इतनी जल्दी भूल गया कि फिर अहंकार में भूल गया। या नहीं जानता तो फिर जान ले मैं मेघनाथ हूँ, देवताओं का शत्रु इंद्रजीत मेघनाथ, जो विजेता लोक का है और विष्णु धाम का, विश्व जनता बना है आज जिसके नाम का, जिसने नदियों को भी कभी समझा नहीं, जिसके आगे काल का भगवान भी ठहरा नहीं, जिसने भारत जानकर पहले तुझे मारा नहीं, आज फिर आया इसके सामने सोचा नहीं। सोच लिया है परंतु अब तू भी सोच। एक मेघनाथ इधर देख, इस धनुष और बाण को देख जो तेरी मृत्यु को निमंत्रण दे रहा है। अब उस छोटे इतनी जल्दी नहीं जानता, मेरे विक्रांत काल का भी काल तोड़ा है, बड़े बड़े योद्धाओं का पामल करके छोड़ा है। इस तरह को आग फेरी देवता बन जाए, योग की अग्नि से ना को और जल जल भर गई। Thank you.
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे उस अजय पुत्र को कोई नहीं जीत सकता। युवराज का शीश और ध्वजा कटा पार्थिव शरीर राज की दीर्घा में लाया जा चुका है महाराज। वो अन्याय किस तरह खाया है चक्कर, आज ये आदेश कर दिया है नाश तेरा पुत्र तेरे राज की। महाराज महाराज अपने को संभालिए महाराज। अब दक्षिणो मेरे घरों पर नजर दक्षिण को, अब मेरे क्रोध की अग्नि किसी प्रकार शांत न होगी, अब मेरा उमड़ा आक्रोश मध्यम नहीं पड़ सकता। दूंगा रहूंगा आज अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लूंगा। मैं तुम्हारे लिए क्या करने में समर्थ हूँ? बस हम केवल स्वामी का शीश मंगा दीजिए प्रभु, और कोई कामना नहीं। विभीषण जी विनम्रता कीजिए और हमारे शीश से देवी का इनके पति का शीश ला दीजिए। जैसी आज्ञा प्रभु। शीश लो। आहा नाथ कितने हसास हो रहे हैं, चेहरा मुरझा गया है, बालों में भी धूल भर गई है, कितने थके से दिखाई दे रहे हो। महाराज मेरे मन में महान शंका है, यदि आज्ञा हो तो पूछ लूं। हाँ अवश्य पूछ लो। क्या बिना देह और प्राण के कटी हुई भुजा भी कुछ लिख सकती है? हाँ सुखदेव जी, पतिव्रत धर्म से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। यदि इतनी ही शक्ति है तो क्या इसके पति का शीश अपने आप हंस सकता है प्रभु? हाँ अवश्य, यदि ये इच्छा करेगी तो अवश्य हंसेगा। सदविचार सदाचार सदकर्म और सद्भाव है।